हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती और आप सभी का एस्ट्रो टॉक पे वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कि जिन लोगों के जैसे काम में अड़चने आती हैं या पिता सुख नहीं मिलता या फादर के साथ उनकी बनती नहीं है, ये किस कारण से होता है? ये होते हैं राहु दोष से, पितृ दोष से। जैसे कि जिन लोगों ने पिछले जन्म में अपने पिता को बहुत परेशान किया होता है या उनकी मौत का कारण बनते हैं या उनको सुख नहीं दिया होता, परेशान किया होता है, तो इस जन्म में वो पितृ दोष लेकर पैदा होते हैं। तो इस कारण इस जन्म में भी बहुत सारी ऐसी मैं कुंडलियाँ देखती हूँ कि या तो उनको पिता का सुख नहीं मिलता या उनके साथ बनती नहीं है। तो जिन लोगों की कुंडली में भी ये पितृदोष आता है, उनकी शादी लेट होती है, उनके बिजनेस ठप हो जाते हैं, राइज भी जरूर होते हैं लेकिन ठप भी हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लेनेट का काम नहीं होता, उसके साथ 8 प्लेनेट और होते हैं। लेकिन जब भी वो अंतरदशा में राहु आएगा या राहु की महादशा आएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है जिनका कोई इलाज नहीं होता। तो इन सब कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या किन कारणों से? पितृदोष अगर राहु हमारी कुंडली के सेकेंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में, अगर इन भाव में राहु की प्लेसमेंट है, आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। चाहे वहाँ पे राशि कोई भी लिखी हो, कोई भी किसी भी राशि में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हाउसेज में अगर है तो इट मीन्स कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। तो कोशिश करिए कि इस जन्म में थोड़ा सा अच्छे कर्म करिए, अपने पिता का कभी दुख दिल मत दुखाएं, उनकी सेवा करें, पिता जैसे समान लोगों की सेवा करें, उनकी हेल्प करेंगे तो आपका ये दोष तो पिछला दूर होगा ही होगा और आगे आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को भी ये पितृदोष लगा होता है या इस भाव में राहु होता है, वो खुद देखेंगे कि उनके कामों में बहुत अड़चने आती है, उनके काम इतने इजीली बनते नहीं हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय, आप चाहे इसकी कितनी भी पूजा करा लें, ये कभी भी शांत नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता, शांत हो जाता है। शांत हम कह सकते हैं कि हो जाता है, क्योंकि हम इसकी हमेशा टाइम टू टाइम पूजा करानी चाहिए। और इसकी पूजा सिर्फ एक ही चीज से होती है, एक सबसे पहले कि हर अमावस्या पे, सिर्फ महीने में एक ही अमावस्या आती है जिसका पितृदोष से बहुत बड़ा लिंक होता है। इस दिन आप कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाएं, अपने पिता समान लोगों को खाना खिलाएं, पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं। अगर आप ये हर अमावस्या पे करते हैं तो आप देखना कि आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं और आपके काम में अड़चने पहले से कुछ कम हो जाती हैं। इसके साथ इसके यही सिर्फ एक उपाय करने से, सिर्फ यही एक चीजें ध्यान रखने से कि आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, आपका पितृदोष शांत रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है और कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं एस्ट्रोटॉक पे अवेलेबल रहती हूँ, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।